नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट की 10 बड़ी खबरों के साथ। अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बन रहे ऋतिक रोशन का रिलेशनशिप ट्विटर से शुरू हुआ था। डीएम से शुरू हुई थी ऋतिक रोशन और सबा आजाद की दोस्ती। लॉकअप में दूसरे कंटेस्टेंट के रूप में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर का नाम सामने आया है। मुनव्वर के शो में हिस्सा लेने के बाद सुनकर उनके फैंस हैरान हैं। ट्विटर पर मुनव्वर पहले कई बार कंगना का मजाक उड़ा चुके हैं। अब जब शो में उनका नाम तय हो गया है तो उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। राखी सावंत के एक्स हस्बैंड रितेश को कंगना के शो का ऑफर मिला है। अब रितेश कंगना के शो का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सपना चौधरी का कहना है कि उन्हें हिंदी फिल्म और टीवी शोज में काम मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सपना को छोटे कपड़े पहनना और इंग्लिश बोलने में काफी दिक्कत होती है, जिस वजह से हिंदी इंडस्ट्री में वे अपनी जगह नहीं बना पा रही। गहराइया रिलीज होने के बाद दीपिका पादुकोण का बोल्ड लुक आया सामने। फैंस उनके इस अवतार को देखकर हुए हैरान। 3 बार शादी और अब 11वें बच्चे को जन्म देने वाली अमेरिकन स्टार कीकी वॉट ने प्लांट किया अपना बेबी बम, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। यूएस कॉमेडियन रोजी ओडोनेल ने प्रियंका चोपड़ा को बताया दीपक चोपड़ा की बेटी, जिसके बाद कॉमेडियन ने शर्मिंदा होकर प्रियंका से मांगी माफी। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर इस समय मेकर्स और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और अभी हाल ही में वाणी ने अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीरें साझा की है, जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने बीते हफ्ते ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर के साथ शादी रचाई है। फरहान अख्तर ने शादी के दिन लिपलॉक करके अपने प्यार का इजहार जमाने के सामने किया, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। 2 साल बाद ही सही, लेकिन रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर वो हंसी वो नूर फिर से लौट आया है, जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से कहीं खो सा गया था। रिया अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।